सोनी सब पर एक बिल्कुल नया शो शुरू होने वाला है। इस शो का प्रोमो भी जारी कर दिया गया है। उन्हें बंसस ये शो ला रही है स्वास्तिक प्रोडक्शन। स्वास्तिक प्रोडक्शन इस समय बहुत सारे नए नए शो बहुत सारे चैनल्स पर ला रही है और बिल्कुल नया शो लेकर आ गई है सोनी सब पर। शो का नाम है बंसस। इस शो में कौन होने वाली है और शो की कहानी क्या होने वाली है उस पर तो अब तक पर्दा नहीं हटा है, लेकिन इस शो के प्रोमो को देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि शो की कहानी बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रही है। अधिकार खोकर बैठे रहना सबसे बड़ा अपराध है, अपने लिए अपनों से लड़ना यही धर्म की बात है। बंसस जल्द आ रही है सिर्फ सोनी टीवी पर। तो इस शो में देखने को मिलेगा कैसे अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और अधिकार के लिए ही लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है, वही शो में हमें देखने को मिलेगा। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस शो के फर्स्ट प्रोमो को देखकर फैंस काफ़ी ज़्यादा इस शो को लेकर एक्साइटेड भी हो रहे हैं क्योंकि प्रोमो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो इस न्यू शो को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। टेलीविजन पर अभी तो नागिन 6 ही देखने को मिल रहा है, लेकिन नागिन 7 की बातें भी चारों तरफ चल रही है। अभी जो खबर निकल गई है ये एक्टर को मिल गया है नागिन 7। गुलतेसम खान रोप्ड इन फॉर एकता कपूर स्नेक्स नागिन 7। तो खबर ये निकल गई है नागिन 7 के लिए गुलतेसम खान को लॉक कर लिया गया है, लेकिन खबर ये निकल गई है उनका किरदार इस शो में मेन लीड का नहीं है। तो नागिन 7 में कौन होने वाली है मेन लीड अब तक ऑफिशियली कुछ भी खबर निकल कर नहीं है। तो नागिन 7 को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। सरदा आर्या शक्ति अरोड़ा स्टारर शो कुंडली भाग्य में आ गया है जेनरेशन लीप। जेनरेशन लीप के प्रोमो को देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश भी है और काफी ज्यादा नाराज भी है। इस प्रोमो में हमें सना सैयद पारस कलनाबत एंड बासिर आली देखने को मिल रही है। प्रोमो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को लग रही है, लेकिन बहुत सारे फैंस इस शो के प्रोमो को कुंडली भाग्य की पहले सीजन से कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पर इस शो में हमें सना सैयद पालकी के रोल में नजर आने वाली है। पारस कलनाबत इस शो में हमें राजवीर के रोल में नजर आने वाली है, जो माँ का लाडला है, जो सबको बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और सबकी मदद करता है। और बासिर अली शो में हमें शौर्य के रोल में नजर आने वाली है। प्रोमो में हमें श्रद्धा आर्या का झलक भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर फैंस काफी ज्यादा खुश है श्रद्धा आर्या को देखने से। उनके अलावा हमें देखने को मिल रहा है जो पालकी है वो एक डॉक्टर है। उनके अलावा पारस कलनाबत इस शो में राजवीर के रोल में नजर आने वाली अच्छे लड़के के रोल में देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ बासिर अली शो में हमें शौर्य के रोल में नजर आ रही है, जो एक बिगड़ा हुआ लड़का है। तो कहानी बिल्कुल कुंडली भाग्य के सीजन 1 जैसा ही लग रहा है, जहाँ पर फैंस बोल रहे हैं कि सना सैयद का जो किरदार है वो लग रही है प्रीता की तरह यानी श्रद्धा आर्या की तरह। पारस कलनाबत का जो किरदार है वो हमें ऋषभ की तरह लग रही है और बासिर अली का जो किरदार है वो करण जैसा लग रहा है। तो कुंडली भाग्य जब पहले शुरू हुआ था तो कहानी बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी। तो बहुत सारे फैंस बोल रहे हैं कि स्टारकास्ट तो बदल दिया, लेकिन कहानी फिर से वही देखने को मिलेगा। मेघारे स्टारर शो सलंग सपनों की इस शो का फर्स्ट प्रोमो बहुत ही पहले रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इस शो को स्लॉट नहीं मिला था। अभी खबर निकल गई है मेघारे स्टारर शो सलंग सपनों की सीरियल को स्लॉट मिल चुका है। ये शो भी हमें 10 अप्रैल से रात के 9:30 बजे से देखने को मिलेगा। इस शो की कहानी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर इस शो की कहानी राधिका नामक एक लड़की की कहानी है। इस शो में मेघारे हमें राधिका के रोल में नजर आने वाली है, जो अपने सपने पूरा करना चाहती है। शो की नाम ही है सलंग सपनों की। तो इस शो में हमें देखने को मिलेगा कैसे राधिका ऐसे वो अपने सपने को पूरा करती है। उसके साथ ही हॉस्टल लाइफ की कहानी भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है इस शो की कहानी, जहाँ पर एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बेस्ड है कहानी, जहाँ पर एक लड़की की स्ट्रगल की कहानी देखने को मिलेगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। तो देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।